आपकी तारा बुआ की शादी होने वाली है और ना शादी में ढेर सारी जलेबियाँ, रबड़ी और सौंदेश सब बनेगा। उसके लिए मिष्टी का दांत का दर्द ठीक होना चाहिए, है ना? ये सब तारा के तोहफे हैं, तुम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही थी? अंकल, मुझे कुछ नहीं पता कि सोनाली मुझे यहाँ ले आई। मैंने तो इसे मना भी किया था, पर ये जबरदस्ती ले आई। सोनाली ही दिया गुलाई है, लेकिन बोला इन दोनों को मैंने ही था यहाँ आने के लिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे मेरे डैड के गुस्से से बचाकर मेरे गुड बुक्स में आ जाएंगे? नो, नेवर। मुझे तुम्हारी फेवर की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कि मेरा लास्ट कैंपिंग ट्रिप है, प्लीज मुझे जाने दो। और मेरे सारे क्लास फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं नहीं गई तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं फीस नहीं दे पा रही हूँ। और बहाना, हेलो हेलो मॉम, मॉम सुनो तो, हेलो मॉम ने तो मना कर दिया कि वो इतने एक्सपेंसिव ट्रिप के पैसे नहीं दे सकती, लेकिन मुझे जाना है। पर पैसे कहाँ से अरेंज हो गए? बेटा, अभी दांत का दर्द कैसा है आपका? मिष्टू, कैसा है दांत में दर्द? अब मेरे दांत का दर्द ठीक है। आपको पता है, मुझे सपने में चॉकलेट बिस्किट है, आप मुझे वो दोगे? नहीं बेटा, देखो आपके दांत में दर्द है ना, आप मीठा नहीं खा सकते। मीठा खाओगे तो दांत में और दर्द बढ़ेगा आपका। मुझे पता था आप नहीं दोगे, मुझे खाना है। कौन? वो जो हमेशा आपके साथ रहती है। ओफो, मेरी नई माँ। वो कहाँ है? वो मुझे जरूर देंगी चॉकलेट बिस्किट। मैंने मना किया ना, वो भी नहीं देंगी आपको। आपके लिए बिल्कुल मीठा बंद। नहीं, मुझे खाना है। मेरी नई माँ मुझे जरूर देंगी। मिष्टी, पिछमन देख रही है इसकी जिद। आज वैसे भी घर में औरों बात है तारा का। घर में तरह तरह की मिठाइयां बनने वाली है, जरूर मीठा खाएगी। और फिर रात को देखना, दांत पकड़ कर बैठने वाली है। गिरीश, वो आशमा के पास ही गई होगी। मुझे भरोसा है आशमा पर। आशमा किचन में ही होगी, वो संभाल लेगी सर। मैं अपने बच्चों को अच्छे से जानता हूँ पिछमा, कोई नहीं संभाल सकता उन्हें। भगवान, 10,000 रुपए दिया, इतने पैसे मैं कहाँ से अरेंज करूंगी? और वो भी घर में। सुनाई, वो तो देख ले, नेक्स्ट ईयर हमारा 10th होगा, तब बोर्ड एग्जाम्स हो गए, फिर मैं कहीं घूम फिर नहीं पाऊंगी। इसलिए मुझे इस ट्रिप में तुम लोग के साथ आना ही है। एंड मेरी मॉम इस ट्रिप में पैसे देने के लिए रेडी नहीं हो रही। एंड यू नो ना हाउ शी इज, तो तुझे ही कहीं सेटिंग करनी पड़ेगी। पर दिया, मैं कहां से क्या करूंगी? देख, मेरे पिगी बैंक में 1,000 रुपए पड़े, अगर तुझे वो चाहिए तो रख ले। सोनाली, तू मेरा मजाक उड़ा रही है? अरे 10,000 तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? तेरे डैड तो तेरी हर विश पूरी करते हैं, तो उनसे जाके बोल कि तुझे जरूरत है। वरना देख, अगर मेरा इस कैंपिंग ट्रिप मिस हुआ तो मैं तुझे भी स्कूल जाने नहीं दूंगी। प्रिंसिपल को मैं तेरा सारा सीक्रेट बता दूं। फिर
फिर वो तुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अब तो सोच ले, 10,000 ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तेरा स्कूल जाना। चंपा, चटनी में कम मीठा डालना, तारा को ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। हाँ, चंपा दीदी, मुझे चॉकलेट बिस्किट दो ना। नहीं बेबी, आपके दांतों में दर्द है ना, आपको बिस्किट नहीं मिलेगा। मुझे बिस्किट चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। पर चंपा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मिष्टी को ना क्यों बोल रही हो? पता नहीं तुम्हें, मिष्टी बड़ी हो गई है, उसे ना नहीं बोलते। तो उसे जो चाहिए उसे दे दो। ठीक है। सुना, अब जल्दी दो। तू क्या हुआ मिष्टी? ये बहुत कड़वा है। अच्छा, दिखा। नहीं, ये तो मीठा है। चंपा, तुम टेस्ट करके देख लो। हाँ, ये तो मीठा है। मुझे क्यों कड़वा लग रहा है? आपके दांत में दर्द है ना, इसलिए आपको कड़वा लग रहा है। मुझे भी ऐसे ही होता है। तो अब मैं क्या खाऊं? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम ना गीली खिचड़ी खा लो, उसे कुछ दिन खाओगे तो आपके मुंह का टेस्ट ना बदल जाएगा। सच्ची? चंपा दीदी, अब मेरे को खिचड़ी दे दो। हाँ बेबी, अभी लाई। ये लो। आप इतने बुरे नहीं हो जितना सोनाली दीदी बोलती है। मिष्टी खिचड़ी खा ली? ये तैयार कैसे हुई? तो बिस्किट मांग रही थी ना। बिस्किट में मैंने थोड़ा सा नमक मिला के उसे खिला दिया, शायद उसका स्वाद अच्छा नहीं लगा। नहीं मालकिन, ये अम्मा भी आई। देखा गिरीश, यही फर्क होता है एक माँ और बाप दोनों में। अगर यही जगह तूने आशमा को पहले दे दी होती ना, तो तेरे बच्चे तेरे बहुत पहले करीब आ गए होते। खैर, देर से ही सही, पर तूने आशमा को अपनाया तो सही, ये जरूरी है। जरूर पिछले जन्म में हम कोई गाय मारे होंगे, तभी भगवान जी ऐसा बैल हमारे खूटे से बांध दिए। सुनिए जी, हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। वो कर हमारा खून क्योंकि का है? पिछले जन्म में जोक टिका तुम। रिक्शा, इंद्रा जी। अरे बा, सुनिए जी, हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। दिखाई नहीं दे रहा हम चंद्रा जी से बात कर रहे हैं, सठिया गई हो, पगला गई हो का? अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग कहीं जा रहे हैं? राजकुमार, आशिमा की ननद की शादी है, तो बस हम
उसी का गिफ्ट लेके जा रहे हैं। तो परेशान होने की क्या जरूरत है, हम है ना, हमारे रहते आप बोझा उठाए हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हम छोड़ देते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। अरे आप चिंता मत करिए, हम दावत आवत नहीं खाएंगे वहाँ पर। शादी ब्याह में 10 तरह के काम होते हैं, तो चार काम ही आएंगे। ले चलिए हमको। कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ तुम्हें इसलिए कह रही है ताकि तुम्हें बेकार में परेशानी ना हो। अरे हमारी परेशानी कम हो जाए, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। खैर छोड़िए, हम छोड़ देते ना आपको, हम ऑटो बुलाते हैं। हमारी एक सिटी में ऑटो आ जाता है, आइए आइए। सुनिए भाई, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना। चलो अभी यहाँ से कल्टी लो, चलो चलो। सुनिए जी, हमें आपसे कुछ जरूरी काम है। ये जितना भी तुम्हारा जरूरी काम है ना, जाके अम्मा से कर लेना, ठीक है? बहुत बिजी है, बहुत सारा काम है हमको। हम सब देख रहे हैं कहाँ बिजी रहते हैं आप। लगता है इस बचपन की शादी को आप नहीं मानते, अब हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। अपनी शादी तो हम धूमधाम से ही करेंगे, और वो भी बिना देरी किए। तुमने हमारी इतनी मदद की। सी बात करते चंद्रा जी, आपके गिफ्ट का भार इतना नहीं है जितना कि आपके आभार का भार हमको हो गया। आप भी अब आइए ना दी, आइए ना राजकुमार जी। नहीं, अब हमको चलना होगा, हो गया, बहुत हो गया। अरे ऐसे कैसे, आप आइए रस्म तो देखिए। वैसे बंगाली रस्म देखना हमको अच्छा तो लगता है, ठीक है आप कह रही हैं तो देख लेते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे किसी हालत में भी इस कैंपिंग ट्रिप में जाना है, वरना तो सोच ले, ना तो मैं तुझे कभी स्कूल जाने दूंगी और ना ही मैं तेरा कभी कोई दोस्त बनने दूंगी। मुझे 10,000 की जरूरत है। चंदा दी आई, राजकुमार जी आइए। सुनिए, ये राजकुमार जी है, हमारे मकान मालिक की बेटी। नमस्कार। नमस्कार। अरे आप जेम्स बॉन्ड कह के हमारा परिचय कराइए, आपको याद होगा वो जहर वाला आदमी।
हम ही ने पकड़ा था। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हमको भी मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आखिरकार ये भी तो अपनी फैमिली है। नहीं मालकिन, मैं भी आती हूँ। आशिमा रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अच्छे जानते हैं इस परिवार को। हाँ, बहुत ही अच्छा परिवार। और आप भी बहुत लकी हैं कि ऐसे परिवार के साथ आपका रिश्ता जुड़ा। हमारा कहने का मतलब है कि आशिमा जी बहुत ही लकी हैं, आपके साथ उनका रिश्ता जुड़ा। कितना मनाया आपने दिल को, पर ससुरा दिल की मानता ही नहीं। काश हमारा भी रिश्ता जुड़ा होता इस परिवार से। खैर इंदिरा जी, भले ही मैं अपनी शादी ना कर पाया हूँ आपसे, पर महादेव कसम दोस्ती में आपसे जिंदगी भर निभाएंगे। I just wish सब अच्छा हो पुलपुल के साथ। सुनाली, ये सही टाइम है अपने डैड से पैसे मांगने का। गो गो आज से। मुझे 10,000 की जरूरत है। क्यों चाहिए? अभी तो तुमने अपने स्कूल ट्रिप के लिए 10,000 रुपए लिए थे, और शादी पे कितना खर्चा किया। तुम्हें क्या लगता है कि पैसे पेड़ पर लगते हैं? पैसे कमाने के लिए मेहनत की जाती है, पैसों की अहमियत करना सीखो तुम। अब तुम्हें पॉकेट मनी अगले हफ्ते मिलेगी। दिया यार, सोनाली मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे किसी हालत में भी इस कैंपिंग ट्रिप में जाना है, वरना तो सोच ले, ना तो मैं तुझे कभी स्कूल जाने दूंगी और ना ही मैं तेरा कभी कोई दोस्त बनने दूंगी। अंडरस्टैंड? अर्जेंटली रिक्वायर्ड गुड सैलरी। वैकेंसी 5,000 सैलरी। मैम इसे सब काम आता है और इसने कोलकाता में भी काम किया है। मैं तुम्हें सैलरी 3,000 दूंगी। यू डोंट वरी, वैसे भी 8 बजे के बाद पार्लर बंद हो जाता है, तो यहाँ अच्छे से काम कर। तुमने फोन किया था, पर तुम्हारी उम्र तो बहुत कम लगती है। नहीं नहीं मैम, ये तो 17 साल की है। मैम मैं कोलकाता से हूँ और मुझे इंग्लिश भी आती है। यहाँ कोई इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस नहीं होते। ब्यूटीशियन का काम जानती हो? मैम इसे सब काम आता है और इसने कोलकाता में भी काम किया है, बहुत अच्छा मेकअप करती है। तो ठीक है, मैं तुम्हें सैलरी 3,000 दूंगी। पर मैम पेपर में तो 5,000 लिखा था। वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए, मैं तुम्हें ट्रायल पे रखूंगी। काम पसंद आया तो पैसे बढ़ा दूंगी। मैम मुझे ना थोड़ा एडवांस भी चाहिए था। एडवांस? पहले काम करो, एडवांस का बाद में देखूंगी। अभी से? हाँ काम करना है तो अंदर जाओ। घर पर क्या कहेंगे? यू डोंट वरी, वैसे भी 8 बजे के बाद पार्लर बंद हो जाता है, तो यहाँ अच्छे से काम कर, मैं वास सब संभालूं। ऑल द बेस्ट।
इसमें लिखा है कि मिष्टी को हमारे एक फैमिली मेंबर की एक्टिंग करनी पड़ेगी। जरा देंगे आप? अरे ये तारा की बात है। नहीं नहीं, तारा की ही बात है। दादा ये चीटिंग है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी ही बात है। दादा ये चीटिंग है। नहीं नहीं, मैंने देखा हाँ, तुम बेमानी मत करो। अजय दो पर्ची दो। इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हो? आप मेरी इतनी जासूसी क्यों कर रही हो? मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, आप अपने काम से काम रखिए।